नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा। आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ईवीएम के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे और जिले के जनता मंत्र की और जाने की कॉल दिया गया, तो वैसे ही दिग्विजय जी को अब यहां से डिटेन कर लिया गया है। बातचीत करते हैं सर। मैं कहूंगा ये, यही देख लीजिए लोकतंत्र से कैसे प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। पूरे प्रशासन को दिल्ली में लगा के रखा है। क्या तकलीफ है आपको? हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं, वो संवैधानिक जगह है, हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं। क्या तकलीफ है आपको जी? अनुमति क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री डर गए हैं। ईवीएम का खुलासा हो चुका है, अब ईवीएम का खुलासा हो गया है, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए आज हजारों की तादाद में आज ये बंद करना चाह रहे हैं आप लोग। लेकिन इससे रुकेगा नहीं, मैं दो दिन बाद जाऊंगा जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पर जाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री नहीं रोक सकते हैं कि जंतर मंतर हम जाएंगे। किसान को रोकना गद्दारी है देश के साथ। सेम बहुत शर्म की बात है। दिल्ली के अंदर जिस तरह पुलिस, जो देश के संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, देखिए जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहां प्रदर्शन करने के लिए रखा गया है और हमें फंडामेंटल राइट की गारंटी भारत का संविधान देता है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की पुलिस ने हमारे फंडामेंटल राइट को पूरी तरह वॉयलेट किया है और हम इनके खिलाफ केस भी डालेंगे, क्योंकि हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम लोग केवल सरकार से मांग करने आए हैं, इलेक्शन कमीशन से मांग करने आए हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ। हमें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। ईवीएम बनाने वाली मशीन के अंदर सात ईवीएम मशीन चोर है। ईवीएम मशीन चोर आएगी, आना पड़ेगा। आज इतनी बड़ी आंदोलन, क्या दिक्कत है आपको? क्या कैसे आप ईवीएम मशीन चोर है हटाने के लिए जंतर मंतर जाना चाहते हैं? क्या हमारे देश में ईवीएम को हटाने के लिए हम प्रतिरोध आ गया? अभी तमाम लोग हैं जो यहाँ ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि मेरा वोट यानी मेरी पर्ची मेरे हाथ में, जिसके माध्यम से ये इंसान को पता लगा रहे कि जिस व्यक्ति को मैंने वोट दिया क्या वोट उस तक पहुंचा भी है। इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि तमाम जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के बड़े, या फिर वो चेहरे जो हमेशा ईवीएम के विरुद्ध में लड़ाई लड़े, उनको डिटेन कर लिया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि अनुमति नहीं है, धारा 144 लागू है, इस वजह से आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता का ये कहना था कि वो दिल्ली की जनता मंत्र की ओर बढ़ेंगे, वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे ईवीएम के विरुद्ध में। लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और आने वाली लड़ाई ईवीएम के विरुद्ध में कैसे आगे बढ़ेगी। चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में जनता भी तैयार है। तमाम मुद्दे सड़कों पर भी सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ किसानों का आंदोलन, तो दूसरी तरफ ईवीएम मशीन को लेकर अब जनता सड़कों पर। आपको हाथों में तख्तियां दिख रही होंगी, कह रहे हैं कि लंबी है संघर्ष की रात, चलो मेरी पर्ची मेरे हाथ के साथ चलो। और इसी अभियान को लेकर अब जनता को जागरूक किया जा रहा है, यानी कि मेरी पर्ची मेरे हाथ, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि पर्ची में घोटाला होता है। बातचीत कर लेते हैं, मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राजीव वर्मा है, मैं OBC दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन हूँ। और आज ये जितने भी हमारे देश की स्वयं संस्थाएँ, सामाजिक संस्थाएँ, उन तमाम ने जो आज इस देश के अंदर ईवीएम हटाओं का जो आज नारा चला है और मेरी पर्ची मेरे हाथ का जो नारा है, इसको बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन देती है इस आंदोलन को। और हम चाहते हैं जब तक ईवीएम बैन नहीं हो जाए, हम इन संस्थाओं के साथ रात और दिन खड़े हैं। उसके लिए मोदी जी की जो दमनकारी नीति रही है, जो मोदी जी ने जिस तरीके से AAA 3A पर मोदी जी काम कर रहे हैं, अंबानी, अडानी और अंधभक्त, इन तीनों से आज उन सामाजिक संस्थाओं के लोगों की, एक आम कार्यकर्ता की, एक मजदूर की, किसान की, महिलाओं की, युवाओं की वो आवाज़ है कि जो मोदी जी आपका दमनकारी तरीका है, जो लोकतंत्र की आपने हत्या की है, उससे आज आपको स्पष्ट करना होगा कि कम से कम आज उन लोगों की आवाज़ हम दबने नहीं देंगे। और कांग्रेस पार्टी इन संस्थाओं के साथ मजबूती से खड़ी हुई है।
आप ट्रिपल आई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे ईवीएम पर चर्चा करूं, उससे पहले पीएम मोदी कहते हैं विकास और विकसित दो ही मकसद केंद्र सरकार के, अभी विकास चल रहा है, 25 साल बाद विकसित हो जाएगा। क्या ये विकास है कि देश के किसान बॉर्डर पर खड़े हैं, 750 लोगों की पहले शहादत हुई है, क्या इसको आप विकास बोलते हो? आज आप देखिए कल शंभू बॉर्डर पर जिस तरह गोलियों से किसानों को मारा जा रहा है, क्या ये विकास है? अरे नहीं चाहिए ऐसा विकास मोदी जी, नहीं चाहिए हमें ऐसा विकास। हमें तो हमारे वो 2014 से पहले वो जो पुराने दिन थे ना वो लौटा दीजिए मोदी जी। आज किसान सबसे ज्यादा दुखी है एमएसपी की। क्या किसान ने कौन सी गलत मांग की है? या आज हमारी संस्थाएं जो मांग कर रही हैं, सामाजिक संस्थाएं कह रही है कि ईवीएम बैन करो, ये कौन सी गलत बात है? लेकिन आप देखिए आज बाहर जाइए किस तरीके से चारों तरफ छावनी बदल दिया है, पुलिस को आर्मी को सबको लगा दिया। अरे क्या आज अपने देश में हम अपना हक मांगने के लिए भी हमें आर्मी और पुलिस से लड़ना पड़ेगा? शर्म कीजिए मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए अगर जरा सी भी नैतिकता इनमें बची है। ये जो कॉरपोरेट्स और 5 लोगों को लेकर के इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ये देश लूटने वाला नहीं है। अब हम इस देश पर देखिए आज 2 लाख से भी ज़्यादा, 2 लाख हज़ार करोड़ का कर्जा, कहाँ 55 हज़ार करोड़ का कर्जा था, इस पैसे की भरपाई कौन करेगा, कहाँ से आएंगे? ये तो मोदी जी को मालूम है। आज इन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, तो इन्होंने झोला उठाना है, लेकिन वो देश का युवा कहाँ जाएगा, महिलाएँ कहाँ जाएगी, किसान कहाँ जाएगा? इसलिए आज देश पूछना चाहता है कि मोदी जी आपके इस दमन से सब परेशान हैं, आपको स्पष्ट रूप से हम संदेश देना चाहते हैं, ईवीएम हटाइए, मेरी पर्ची मेरे हाथ दीजिए ताकि मुझे पता चले मेरा वोट चोरी नहीं होने देंगे। जिस तरीके से आपने चंडीगढ़ मॉडल की बात की है, देखिए पूरा देश पूरी दुनिया जानती है चंडीगढ़ मॉडल क्या है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से मीडिया भी अपना रुख स्पष्ट करे, मीडिया भी इस बात को संदेश दे कि जो हो रहा है इस अत्याचार को मीडिया सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ दिखाने का काम कर। सर चुनावों में बेहद कम दिन बचे हैं, बहुत कम समय बचा, आपको नहीं लग रहा कि आप लोगों ने देर कर दी? क्या कर पाएंगे आप मात्र 100 दिनों के भीतर? कुछ नहीं, आज पूरा देश जागरूक हो गया है, हमें करने की जरूरत है, जनता अपने आप तैयार बैठी है मोदी जी से इस बात का बदला लेने बैठी है कि कहाँ गए वो अच्छे दिन, कहाँ गए युवाओं के रोजगार, कहाँ गए महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इन सब का बदला लेने के लिए आज देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं घर घर से निकलेंगे और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं ईवीएम को हटाइए, बैन कीजिए, ताकि मेरी पर्ची मेरे हाथ में, मुझे पता लगे कि मेरा वोट चोरी ना हो जाए। इसके लिए हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो और उन कैमरों की निगरानी में हो। वैसे तो देश में लोकतंत्र बचा नहीं है, अगर थोड़ा सा भी इनको शर्म बाकी है, लोकतंत्र की जरा से भी लिहाज बाकी है, तो मोदी जी आज से इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो देश आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन सर सिर्फ ईवीएम पर सवाल उठा देना या आरोप लगाने से बात बन पाएगी कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरीके का बचाव ईवीएम को लेकर करती है, वो आप ही पर ठीकरा फोड़ देते कि हार जाते हैं तो फिर बौखला जाते। अच्छा सरकार ठीकरा फोड़ती, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, किस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग का गठन करने का काम किया? सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं सबको अपने हाथ में ले लिया है इन्होंने। चुनाव आयोग जो निष्पक्ष बनता था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश उसमें मेंबर होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, नेता अपोजिशन होते थे, आज उनमें से क्या किया कि इन्होंने उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के हटा दिया है और अपनी एक कैबिनेट के मंत्री को ले आए ताकि इनको 2-1 सेंट का बहुमत पार हो जाए और ये जिसको चाहे उसको चुनाव आयोग बना दें। तो इन्होंने तो साफ तय कर दिया कि सब कुछ अपने हाथ में दादागिरी से रखेंगे, छीनेंगे, झपटेंगे, लूटेंगे और इस देश को बर्बाद करने का काम करेंगे। लेकिन ये देश बर्बाद होने वाला नहीं है। मैं यहाँ दबाव बन पाएगा सरकार पर, चाहे वो किसान बैठे या फिर आप ईवीएम का मुद्दा उठा रहे, सरकार कभी दबाव में आएगी भी? देखिए इस सरकार को दबाव में आएगा उसका समय आने वाला है, तभी तो हमने कहा है आप इसको पढ़िए, मेरी पर्ची मेरे हाथ, जिस दिन मेरी पर्ची मेरे हाथ मिलेगी ये देश में स्पष्ट हो जाएगा, लोकतंत्र की जीत होगी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पर्ची मेरे हाथ अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये अभियान कितना चल पाएगा और क्या गांवों तक भी पहुंच पाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी जागरूकता अभियान चला रहा है, बता रहा है कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि ईवीएम में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होती, लेकिन ये पूरा मुद्दा 24 चुनावों से पहले कितना बड़ा बन पाएगा, यही सवाल बार बार हो रहा है और इस सवालों का जवाब आने वाला वक्त पे मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए